भी लगता है विराट कोहली की कैप्टेंसी नहीं, विराट कोहली की लीडरशिप जी। भाई कप्तान तो बहुत सारे हैं, कप्तान तो हर टीम का है, हमारे आज तक की टीम के भी हैं मनोज डिमरी, लेकिन लीडर और कप्तान में बड़ा फर्क है। तो मुझे लगता है कि रवि शास्त्री ये कह रहे हैं कि इमरान खान द लीडर, वो विराट कोहली में वो इमरान की झलक देखते हैं। इमरान से बड़ा लीडर शायद सब कॉन्टिनेंट ने नहीं देखा, यू हैव टू एडमिट इट। भाई भारत ने कपिल देव की कप्तानी देखी, बिशन बेदी, गावस्कर, अजहरुद्दीन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, द्राविड, कुंबले, धोनी, विराट, इमरान खान थे। इमरान खान यूनिक क्यों थे राहुल? क्योंकि वो सिस्टम ही अपने आप में थे। भाई पाकिस्तान क्रिकेट में उतना सिस्टम नहीं था, तो इमरान खान जब जब कप्तान हुए वो खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन जाते थे, वो खुद सिलेक्शन कमेटी बन जाते थे, और वो खुद कप्तान थे ही, और उनमें एक एबिलिटी थी। कोचेस भी अपॉइंट करते थे, मतलब वो इमरान खान वॉज ऑल इन हिमसेल्फ। इमरान खान ऑब्वियसली पहले कोचेस नहीं होते थे, और टुवर्ड्स दी लेटर हाफ जो इमरान खान का था वो उनके अपना इंतकाब आलम साहब मैनेजर थे, तो वो मैनेजर होते थे, लेकिन इमरान खान गलियों से, सड़कों से, रास्तों से प्लेयरों को उठा के कोयले को हीरा बनाना जानते थे। भले वो वकार यूनुस हो, आकीब जावेद हो, इंजी भाई हो, किसी को भी पीछे जाए, तौसीफ अहमद टेस्ट क्रिकेट खेल के थे ऐसे, वो नेट में आए बॉल करने के लिए, लोकल बॉलर्स आते हैं, तौसीफ अहमद ने अच्छा बॉल किया, जहीर अब्बास ने जावेद मियांदाद को कहा, इमरान खान सब ने कहा चलो 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 कल आ जाना टेस्ट मैच खेल लेना। तो पाकिस्तान क्रिकेट में सिस्टम नहीं था, लेकिन इमरान खान सिस्टम इन हिमसेल्फ थे। विराट कोहली इंडिया में तो सिस्टम है, आप इंडिया में सिस्टम है, इंडिया में सिस्टम है। और मुझे लगता है कि अगर आप हाल फिलहाल इस जनरेशन को भी पता है कि सौरव गांगुली की कप्तानी में भी वो लीडरशिप क्वालिटी थी, लेकिन कई बार क्या होती है ना कि आप ऑफ द फील्ड भी बात करते हैं। विराट आज वो कप्तान हैं जो BCCI से बड़े हैं, जो सिलेक्शन कमेटी से भी शायद बड़े हैं, जो कोच से भी बड़े हैं। सौरव गांगुली कभी कोच से बड़े नहीं हो पाए, सिलेक्शन कमेटी से बड़े नहीं हो पाए, और BCCI बड़े नहीं हो पाए। तो विराट के हाथ में ये, अब ऑब्वियसली इसको आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, लेकिन विराट के हाथ में वो ऐसी पावर है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी जज कर रहे हैं क्या? मैं सर आपकी बात को थोड़ा वो करना चाहूंगा, विराट के हाथ में पावर जरूर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उनके पर्सनालिटी की वजह से, हालात की वजह से मिले आज, कि BCCI कमजोर हो चुकी, हालात ऐसे हैं, उनके पावर है, उस तरह के कंटेंडर्स नहीं। और मुझे आपको आपको रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट दे रहे हैं, नहीं रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन राहुल मैं देखिए दो बातें, विराट नो डाउट बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, बहुत ग्रेट बैट्समैन है। आप उनकी डॉन ब्रैडमैन से अगर कंपेयर करते हो बैटिंग एज ए बैट्समैन, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप अगर इमरान खान की जो, अब जैसे आप इमरान खान की सर बात कर रहे थे, इमरान खान के अचीवमेंट आप देखो ना, 1992 वर्ल्ड कप कहां से कहां जिता के ले गए, विराट ने क्या वर्ल्ड कप को जिताए हैं? इमरान हाँ वक्त है, लेकिन तो वक्त है, तो जब आप जब उन्होंने तो अभी वर्ल्ड कप में कैप्टनसी भी नहीं करी है ना, नहीं वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी में दिख गया, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने किए, बड़े टूर्नामेंट फाइनल खेल गए हैं। राहुल मैं विराट को डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि नहीं बनेंगे आगे चल के, क्या बनेंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जल्दबाजी है। ये जो हमारे अभी जो इंडिया में एक सिस्टम चल पड़ा है कि आप हार्दिक पांड्या को कपिल देव बना देते हो, विराट को इमरान खान बनाते हो, ये बहुत जल्दबाजी है। ये शायद रवि शास्त्री शायद विराट के बहुत बड़े फैन हो गए हैं, और शायद वो भावनाओं में बह करके इन बातों को ऐसे कर गए हैं। लेकिन अभी देखिए ना, विराट ने बहुत रन बनाए हैं, आपकी हर फॉर्मेट में रन बनाए हैं, एज ए कैप्टन आप उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या, अगर आप दिमाग को जो डालिए, क्या उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट? जीत रहे अपने घर में लगातार जीते हैं, साउथ अफ्रीका का टेस्ट सीरीज हार क्या है, ठीक है T20 जीता 25 साल के बाद, वनडे सीरीज, लेकिन वो जीत आप इस लेवल पे नहीं ले जा सकते जहां पर उनको इमरान खान बनाते हो आप। मुझे इमरान खान ने ओवरसीज कैसी परफॉर्मेंस रही है, कितने इंग्लैंड में जाके हराया था उन्होंने, इंडिया को इंडिया में आके हराया था उन्होंने, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके परेशान करते रहे, वेस्ट इंडीज को उस पीक में वेस्ट इंडीज में जाके ड्रॉ करा कर आए थे, अंपायरिंग खराब ना होती तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हरा कर आता। 92 वर्ल्ड कप में इमरान की उम्र थी शायद 41 साल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और इमरान खान 87 वर्ल्ड कप में रिटायरमेंट ले चुके थे, आपको याद होगा 87 वर्ल्ड कप में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, और फिर उसके बाद जियाल हक खान ने कहा कि आप आइए, और इमरान दोबारा 88 में वो पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज लेकर गए। उसके बाद देखिए इमरान की अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें राहुल, आप सब जानते हैं, अगर 92 वर्ल्ड कप, भाई भारत की टीम 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में थी, टेस्ट सीरीज, फिर ट्राइंगुलर सीरीज, और फिर वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की टीम वहां पहुंचती है जावेद मियांदाद के बिना, वकार यूनुस तो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके थे, जावेद मियांदाद सिलेक्ट नहीं हुए। उसके बाद जब प्रैक्टिस मैचेस हुए ये हारना शुरू हो गए, पाकिस्तान लगातार हार रहे हैं, फिर जावेद मियांदाद को भेजा गया, पहला मैच वो हार गए वर्ल्ड कप का, दूसरा मैच वो शायद इंडिया से भी हार गए, तीसरा मैच भी वो हार गए, और उसमें क्या था, हर टीम को एक एक बार खेलना था। पाकिस्तान का चौथा मैच था एडिलेड में अगेंस्ट इंग्लैंड, 72 ऑल आउट, 72 ऑल आउट, बारिश हो गई, बरसात पड़ गई, और पॉइंट्स हो गए शेयर।
अच्छा पाकिस्तान वो मैच हार जाता तो वर्ल्ड कप खत्म हो जाता, खत्म मतलब आउट। वो कहते हैं कि उस रात इमरान ने सारे प्लेयरों को अपने कमरे में बुलाया, इमरान से डरते थे, इमरान ने सबको नीचे ऐसे बिठाया, पर इमरान वॉज इमरान, तभी मैं कह रहा हूँ कि वो ऑरा लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ। तो इमरान ने कहते हैं कि सबको ऐसे बिठाया और सब डरे हुए थे, और इमरान ने कहा कि मैंने हिसाब लगा लिया है कि हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। कोई साइंस तो थी नहीं, ना ही कोई उन्होंने फॉर्मूला निकाला था। तीन मैच हार गए, 72 ऑल आउट हो गए, आपस में लड़ रहे हो, इमरान ने सबको कह दिया हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, ऊपर वाले ने कह दिया वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, और वो हर प्लेयर अपने कमरे में ये सोचकर चला गया कि मुझे अल्लाह ने या भगवान ने या रब ने कह दिया कि जीत रहे हैं, और सब ने बिलीव करना शुरू कर दिया जीत रहे हैं। जीत गए। वहां से कौन कप्तान कह सकता था कि हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं? तो इमरान में वो एबिलिटी थी। अब इमरान के कप्तानी में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब वो उनकी परफॉर्मेंस यहाँ चली जाती थी, अब्दुल कादिर फॉर एग्जांपल। अच्छा जावेद मेहता कप्तान बनते थे, अब्दुल कादिर की परफॉर्मेंस गिर जाती थी। तो इमरान में वो एबिलिटी थी। और मैं धर्मेंद्र की बात को आगे बढ़ाऊंगा, धर्मेंद्र ने एक बड़ी वैलिड बात की है। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि क्रिकेट में एक कप्तान होता है, और वो कप्तान जब बड़ा बन जाता है वो लीडर बन जाता है, और हम हमेशा कहते हैं कप्तान से ज़्यादा बड़ी चीज़ है लीडर। जो लीडर है वो लीड्स बाय एग्जांपल। आई थिंक विराट ने उल्टा शुरू किया है, विराट है लीडर, लीड्स बाय एग्जांपल। विराट में वो सब कुछ है टीम को साथ लेकर चलने का, लेकिन कभी कभी शायद वो कैप्टेंसी जो है ना, जो नीचे बेसिक्स, वो वक्त के साथ साथ वो सीखेंगे। लीडरशिप उनमें है, वो बॉर्न वो दिखती है, वो अग्रेशन उनमें दिखता है, वो साथ में टीम को लेकर चलना। कभी कभी टैक्टिकल कैप्टेंसी सिलेक्शन में आपने 19-21 हो गया, या इस वक्त इससे नहीं इससे करा लेता तो हो गया, तो शायद अपने अग्रेशन को टेम्पर करेंगे वक्त के साथ साथ, वो बड़े टूर्नामेंट्स भी जीतेंगे, बड़ी जगहों पर भी जाकर जीतेंगे। और आपको ये भी एहसास होना चाहिए कि इस वक्त विश्व क्रिकेट में टीमें जो हैं अपने अपने घरों में ही जीतती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को टेस्ट मैच में हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जाके, बट मोस्टली टीमें अपने घरों में ही जीतती हैं, मेरा ये मानना है। बट जल्दबाजी है नहीं, देखिए ऐसा अब, तो और दूसरा ही, हम लोग हर किसी को कंपेयर क्यों करने लग जाते हैं इतनी यार? मेरे ख्याल में ये बेंचमार्क्स तो हैं, जब हम इंडियन या पाकिस्तानी लोग हों या इवन श्रीलंकन्स हों, हम लीडरशिप की बात करेंगे तो यार हम सौरव गांगुली, कपिल देव, इमरान खान, अर्जुन राणा टोंगा, इनकी बात करेंगे ही करेंगे। वो पैमाना बन जाता है। हम कहते हैं ना कि एक्ट्रेस, अब पैमाना आपका क्या है? दीपिका पादुकोण। एक्टर, आपका पैमाना है परहैप्स सलमान खान, तो आप उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, और बैटिंग में भी हम ऑब्वियसली हम गावस्कर या तेंदुलकर या यू नो जो भी है, वो कंपैरिजन तो होंगे ही होंगे। और राहुल, मुझे लगता नहीं कि कोई हर्ज है। रवि शास्त्री इस टीम के कोच भी हैं, और रवि शास्त्री शायद विराट कोहली के सबसे बड़े फैन भी हैं। और रवि शास्त्री की स्ट्रेंथ क्या है? उनकी स्ट्रेंथ है ये हल्ला शेर। और उन्होंने साफ तौर पर विराट, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो कहीं पर वो कुछ बोल रहे हैं कहीं पर कुछ, उन्होंने ये कहा है कि मैं इमरान, अब संजय मांजरेकर की किताब में इमरान खान की कप्तानी की कितनी तारीफ है, सिमिलरली रवि शास्त्री के लिए भी इमरान खान, क्योंकि रवि शास्त्री ने इमरान के अगेंस्ट क्रिकेट खेली है, उस इमरान खान द कैप्टन के अगेंस्ट जो पाकिस्तान इंडिया को हराता था, जगह जगह जाकर हराता था। तो इमरान खान मुझे लगता है कि उस जनरेशन के प्लेयर्स के लिए बड़ी इज्जत है उनके मन में इमरान खान के लिए, तो इसलिए वो विराट को भी कहते होंगे कि यार तू इमरान खान की तरह बिहेव करता है। मुझे एक एक छोटी सी बात, मैं धर्मेंद्र वाक्या है उसमें यह है कि जब 96 में सचिन तेंदुलकर कप्तान बने थे पहली बार, ही वाज 23 मतलब, और सचिन तेंदुलकर उस वक्त दुनिया के मतलब कपिल देव के कोच उनके साथ, नहीं पहली बार संदीप पाटिल मदन लाल मदन जी थी दिल्ली में। तो जब देखिए मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी जा रही थी और सचिन की आ रही थी, रिलायंस सॉरी 96 वर्ल्ड कप के बाद ये तय हो गया था कि अजहर भाई की जगह सचिन कप्तान बनेंगे, लेकिन समहाउ और दी अदर्स ना, अजहर भाई के पास लीवरेज ये थी कि सचिन की एज नहीं है, और सचिन के अगेंस्ट ये जा रहा था कि सचिन की एज नहीं है। तो इंग्लैंड में जब संदीप पाटिल कोच गए, वो सचिन ही अजहर भाई ही गए कप्तान के तौर पर, वहाँ पर भी जब भारत हार गया तो फिर तो इनएविटेबल था। और जब सचिन पहली बार कप्तान बने हैं, मैं आपको बता दूँ इमरान खान की हम बात करते हैं, उस टाइम पर तो इमरान बड़े ताज़ा थे ना, हर कोई ये सोचता था कि सचिन तेंदुलकर इमरान खान ही बनेंगे, क्यों? इन जैसा बैट्समैन नहीं, उनकी पेडिग्री देखिए, और सबको लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट में सचिन आएंगे, ऐसी जादू की छड़ी निकालेंगे, इसको बाहर इसको अंदर ये करके सब कुछ ठीक कर देंगे। उस टाइम के जो सिलेक्टर्स थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कुछ एक ऐसे हैं जो मुझे जिन्होंने बाद में मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि एज सेलेक्टर्स हम लोग वरिड थे कि भाई ये आ गया,
और ये जीतना शुरू हो गया सचिन तेंदुलकर, तो ये तो हमें रिडंडेंट कर देगा, ये तो सिलेक्शन कमेटी खत्म कर देगा। शुरू शुरू में क्या हुआ, सचिन ने कहा कि मुझे चाहिए दाल, तो उन्होंने कहा ये ले राजमा। सचिन ने कहा कि मुझे चाहिए चना, तो उन्होंने कहा ये ले गोभी। तो आपको याद होगा जो पहला स्टिंट था एक साल का, उसमें एक दो मीटिंग्स ऐसी थी जिसमें सचिन वर्चुअली क्राइड ऑफ, वर्चुअली इन टीयर्स थे जो सिलेक्शन मीटिंग से गए। तो उस वक्त ये मन में डर था उनके कि यार ये इमरान खान तो नहीं बन जाएगा, जो शायद से अब हो रहा है। यार अब तो सिलेक्टर एमएस के प्रसाद, अब तो बॉडी नहीं है एमएस के प्रसाद, अगर विराट कोहली एमएस के प्रसाद को फोन ही कर दें एमएस के प्रसाद के लिए, वही काफी है। ऑनेस्ट गिर जाएगा, मैं आपको सच बताऊं तो इस वक्त जो 96 में सचिन नहीं कर पाए, मैं उसको पॉजिटिव तरीके से भी कह रहा हूं, वो विराट आज कर सकते हैं। विराट आज ये कह सकते हैं बोर्ड को कि मुझे टेस्ट सीरीज से पहले 25 दिन चाहिए, उनको 25 दिन मिलेंगे, मुझे ये करना है, उनको मिलेंगे। सो लॉन्ग एज वो उसको रिजल्ट के साथ साथ मैच कर रहे हैं, उनको सब कुछ मिलेगा, अपनी पसंद की टीम मिलेगी। और देखिए कोच और कप्तान टैंडम में है, ऑब्वियसली एम एस के प्रसाद चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी टैंडम में है, और इस वक्त कोई बीसीसीआई है नहीं है। बीसीसीआई में उन्होंने अनिल कुंबले को निकलवा दिया ना, अगर अनिल कुंबले को निकलवा दिया, इससे बड़ा इमरान खान वाली बात नहीं हो सकती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये